ब्लड सेल्स हम पढ़ रहे थे, रेड ब्लड सेल हमने पढ़ा, वाइट ब्लड सेल पढ़ा, इम्यूनिटी की आपके और प्लेटलेट्स हम लास्ट अपना जो सेल है वो कवर कर रहे थे और इसके हम फंक्शन पढ़ रहे थे, फिजियोलॉजी पढ़नी है तो फंक्शन पढ़ने हमने। तो आवाज़ है प्लेटलेट्स का मेजर फंक्शन क्या है कि क्लॉटिंग वेव से हेल्प ऑल करता है, ठीक है ना, जहाँ पे भी वैसा रिलीज होती है या ब्लड में इटसेल्फ कोई मसला आता है तो क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल मैं ऐसे दूंगा इसकी, अभी तक पीछे हमने थोड़ी सी बात की कि वैसा जब रैप्चर होती है तो वहाँ पे क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। एक चीज़ और ऐड कर लेता हूँ, अगर ब्लड के अंदर कोई प्रॉब्लम है इटसेल्फ तो फिर भी क्लॉटिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ, कोई कुछ ऐसी पॉइजन है जैसे वेनम है, स्नेक है, स्नेक बाइट से भी समटाइम्स वेनम की बड़ी टाइप्स हैं, किस तरह की कोई वेनम है उस पर डिपेंड करता है। कुछ वेनम ऐसी होती हैं कि जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है उसको लंग्स को जो है ना कोलैप्स कर देती है, एल्वियोलाई को कोलैप्स कर देती है, डेथ हो जाती है, ठीक है ना। स्नेक बाइट से डेथ पॉइजन की वजह से होती है, उस वेनम जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वेनम कहते हैं। कुछ ऐसी होती है जो जिनकी जो हिमोलिसिस करवाती है, वेनम जो हिमोलिसिस करवाती है, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो हिमोलिसिस करवाते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वायरल इन्फेक्शन को हो सकता है जो हिमोलिसिस कराता है। तो ब्लड की जब इटसेल्फ हिमोलिसिस भी होती है या ब्लड में इटसेल्फ कोई प्रॉब्लम आता है तो उसकी वजह से भी क्लॉटिंग हो सकती है, वो डिफरेंट फैक्टर है। तो दोनों फैक्टर्स में जो क्लॉटिंग को इन्हेंस करता है या हेल्प आउट करता है वो क्या है, प्लेटलेट्स ही होते हैं। दोनों के लिए फिर पाथवेज डिफरेंट है। जब टिश्यू डैमेज होता है तो पाथवे डिफरेंट है, टिश्यू डैमेज होगा या वेसल डैमेज होगी, सॉरी वेसल जब डैमेज होगी तब क्लॉटिंग का पाथवे डिफरेंट है, और जब ब्लड के अंदर ब्लड इटसेल्फ डैमेज होगा और क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तब पाथवे डिफरेंट है। दोनों में पाथवेज डिफरेंट है, दोनों के हम पाथवेज के हम साइकिल पढ़ेंगे डिफरेंट, अगले लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा इसे। फिलहाल मैं आपको एक थोड़ा सा उसकी इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा सा माइंड उसके बारे में तैयार हो, ठीक है। तो हमने जो ये टॉपिक कवर किया था ये क्लॉटिंग फैक्टर्स तक किया था, कि हमने कहा था 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं 1 से लेकर 13 तक, जिसमें से एक कौन सा मिसिंग होता है, 6 मिसिंग, ठीक है। तो वो फर्दर हम जो है ना वो स्टडी करते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है। कुछ चीज़ें आपको कुछ क्या काफ़ी कुछ मैंने आपको लेक्चर में बोलता मैं इसलिए हूँ, काफ़ी सारा एक ओवरव्यू जो होता है वो बोल रहे हैं, उससे जो डिटेलें होती है वो फिर आप फर्दर उसको स्टडी करते हैं। तो आज जो कंटिन्यू हम करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें अगर आपने अपने माइंड में लेक्चर आपने सुना तो आपके माइंड में होगी कि जब भी एक क्लॉट बनता है तो वो कौन से दो कोर्सेज फॉलो करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो क्लॉट बनेगा, क्लॉट बनने के बाद उसमें क्या होगी, फाइबर्स क्या है वो फाइबर्स बताते हैं, ठीक है। फाइबर्स क्या बताते हैं, विच फॉर्म कनेक्टिव टिश्यू ऑन थ्रू द क्लॉट, ठीक है। फाइबर्स सेल्स क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो जब ये फाइब्रोब्लास्ट बनता है तो ये क्या करता है कि ये थ्रू आउट द क्लॉट जो है ना वो इसकी फॉर्मेशन होती है। फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है, जब कनेक्टिव टिश्यू बनाता है तो ऑल थ्रू द क्लॉट, मैंने आपको पहले ही बताया था जो फिब्रिन फाइबर्स भी बनते हैं तो क्या हो जाते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं क्लॉट की तरफ, ऐसे बताया था ना, yes, sir. वो एक दूसरे को जोड़ते हैं जिसे हम फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर भी कहते हैं, वो आगे नेक्स्ट आपको बढ़ाऊंगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि इट कैन डिजॉल्व, एट द एंड क्या होना है, डिजॉल्व होना है। मैंने आपको पहले थोड़ा सा बताया, अब क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है उसमें वेसल में कोई इंजरी हुई, ठीक है, क्लॉट बना, किडनी ना फाइब्रोब्लास्ट हुए, ये किस टाइम में हो रहा है, फ्यू आवर्स के अंदर अंदर ये सारे का सारा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है।
और ये जो प्रोसेस है फाइब्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन का, ये प्रमोट होता है एटलीस्ट पार्शली बाय द ग्रोथ फैक्टर्स क्रिएटेड बाय द प्लेटलेट्स। ग्रोथ फैक्टर के बारे में आपको बताया था ना मैंने, ग्रोथ फैक्टर जो रिलीज होते हैं जो टेनम वेसल होते हैं उसकी रिपेयरिंग में काम करते हैं। तो ये विद इन फ्यू आवर्स जो है ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और साथ ग्रोथ जो प्रमोटर होते हैं वो भी इस चीज़ को एक्सेलरेट करते हैं, इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं। और ये पूरे का पूरा जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइबर्स टिश्यू विद इन द विद इन अबाउट 1 to 2 weeks, और 1 to 2 weeks के अंदर ये प्रोसेस जो फ्यूजन फाइबर जो बन जाते हैं और स्टेबलाइजिंग फैक्टर आते हैं वो अपना काम करते हैं। तो ये विद इन 2 weeks ये कंप्लीट हो जाता है। ये भी ध्यान में रखेंगे डिपेंड करता है, ये ऑन एन एवरेज 1 to 2 week है, लेकिन ये डिपेंड करता है प्लस माइनस इसमें हो सकता है। ये मैंने आपको बहुत बार बताया कि बेसिक थ्योरी क्या है ब्लड क्लॉटिंग की। अभी तक हम पढ़ रहे हैं प्लेटलेट्स, ये काम कर रहे हैं प्लेटलेट्स जो है ना वो जो इंजर्ड वेसल होती है उस पर आके अटैच हो जाते हैं, स्टिकी इन नेचर हो जाते हैं, बाकी जो प्लेटलेट्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इससे ग्रेन्यूल्स निकलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किस लिए करते हैं, इसमें एक्टिन मायोसिन प्रोटीन होती है, थ्रोम्बोक्सिन प्रोटीन होती है जो इटसेल्फ इससे रिलीज होती है, इस इटसेल्फ इसके अंदर होती है जो क्या कराती है कॉन्ट्रैक्शन कराती है, उसका काम ही कॉन्ट्रैक्शन कराना है। हम पढ़ी जा रहे हैं क्लॉटिंग थ्योरी है, क्लॉटिंग का ये प्रोसेस है। बेसिक क्वेश्चन बार बार आपसे रिपीट करता हूँ कि नॉर्मल जब ब्लड सर्कुलेशन है ना वेसल डैमेज है ना इटसेल्फ ब्लड के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो फिर क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट क्यों नहीं होता। तो ये मेन हैंड बाय हैंड चल रही है, दो चीज़ें हैं, प्रोकोगुलेंट एंड एंटीकोगुलेंट, ठीक है। अब प्रोकोगुलेंट क्या है कि जो कोगुलेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, और एंटीकोगुलेंट क्या है जो उसको रोक देते हैं। एंटीकोगुलेंट का जो आपको कॉन्सेप्ट आया था हेपरिन जो बेसोफिल से रिलीज होता है, जिसे हम नेचुरल एंटीकोगुलेंट कहते हैं, जबकि आप जो सिंथेटिक एंटीबॉडी वो है एंटीकोगुलेंट वो आप अपने प्रैक्टिकल्स में पढ़ेंगे कौन कौन से। प्रोकोगुलेंट में कौन से हैं, क्या चीज़ें आएंगी, मैं कह सकता हूँ प्रोकोगुलेंट में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं सारे ये सारी वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब तक ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल है तो आपका जो प्रोकोगुलेंट है वो क्या होगा, डोमिनेट होगा। जो ही प्रॉब्लम आएगा वेसल्स इंजरी होगी या फिर ब्लड के अंदर इटसेल्फ प्रॉब्लम आएगा तो एंटी उल्टा बोल रहा हूँ सॉरी जब ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल है तो एंटीकोगुलेंट डोमिनेट करेगा, और जो ही ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम आएगा इटसेल्फ या वेसल में आएगा तो प्रोकोगुलेंट काम करेगा, ठीक है। अभी यही डिस्कस किया, ठीक है, अभी यही चीज़ हमने डिस्कस की है कि किस तरह से प्री कोगुलेंट और एंटी कोगुलेंट का प्रो कोगुलेंट और एंटी कोगुलेंट का। अब ये सिंपल सा एक टेबल है, प्रोथ्रोम्बिन जो है ये कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है, 1 or 2 or 3 or 4 1 तो हाइड्रोजन है, 3 मेरे ख्याल में टिश्यू फैक्टर है, 4 मेरे ख्याल में कैल्शियम है, 2 मेरे ख्याल में प्रोथ्रोम्बिन है। तो ये देखिए आपकी यादाश्त के लिए पढ़ते नहीं हो, मेरे ख्याल ये फैक्टर्स पढ़ लेना है। प्रोथ्रोम्बिन 2 ऐसे ही है सर, 1 क्या है फिब्रिनोजन, फर्स्ट है एफ से फर्स्ट, और फिब्रिनोजन के साथ ही प्रोथ्रोम्बिन होता है तो सेकंड हो गया। टिश्यू फैक्टर 3 है और 4 कैल्शियम है, बाकी इस तरह से इसको जरा निशानियाँ लगा कर रखते लगा लें, जो 4 बताएंगे तो याद ही होना चाहिए। फिब्रिन स्टेबलाइजेशन फैक्टर ये कौन सा है, ये भी इम्पोर्टेंट तो खैर सारे हैं लेकिन ये ज़रा फेमस है, 13 है मेरे पास, इसको भी देखें
कौन सा सर? लैपटॉप की ब्राइटनेस ब्राइटनेस ज़्यादा करो लैपटॉप नहीं लैपटॉप की लाइट बढ़ रही है मोबाइल लेंस के प्रोजेक्टर के बाद में भी संता है प्रोजेक्टर का लेंस कुछ है ना फिब्रिन जो स्टेबलाइजिंग फैक्टर वो 13 ही है जो अभी मैंने बताया यस सर क्या है 13 तो पांच तो अभी आपको याद हो गया ना यस सर पहला कौन सा दूसरा तीसरा टिश्यू फैक्टर चौथा कैल्शियम बस 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 थोड़े से रहे आधे तो हो गए ना यस सर अच्छा आप इस टेबल पे आ जाओ क्या ये लाइट मेरे कार में प्रॉब्लम कर रही है बंद कर मेरी शक्ल से उस साइड कर दे उस साइड पे कर दे उधर उधर हाँ यू ठीक अब ठीक अब ठीक चल अच्छा भी अच्छा बस अच्छा ये सिंपल सा फ्लो चार्ट है और जितने भी आपके पास लोग हैं आपको फर्स्ट डे से आज तक भी कह रहा हूँ लास्ट डे तक कहता रहूँगा कि जितने भी फ्लो चार्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं रिगार्डिंग यूर एग्जाम और रिगार्डिंग यूर अगर आप शुरू क्वेश्चन भी करता है कोई पूछता है कि बेसिक जो मैकेनिज्म है वो क्या है तो आपको वो फ्लो चार्ट का सिर्फ पॉइंट्स अगर आपको याद है तो आप उसको बोल सकते हो उसको एक्सप्लेन कर सकते हो ठीक है तो ये एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है जिसमें हम कहते हैं कि अगर आपसे एक क्वेश्चन सिंपल सा आ जाता है कि ड्रा फ्लो चार्ट ऑफ जनरल मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस ठीक है तो उसमें जो फर्स्ट हमारा फैक्टर है प्रोथ्रोम्ब कौन सा फैक्टर है ये सेकंड फैक्टर है अब प्रोथ्रोम्ब ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म है प्रोथ्रोम्ब है क्या बजाते हो प्रोथ्रोम्ब एक प्रोटीन इन नेचर है ठीक है ना और ये कहाँ पे इसकी सिंथेसिस होती है प्रोथ्रोम्ब की लीवर इसको इसकी सिंथेसिस कहाँ पे होती है लीवर और लीवर में इसकी सेंसिटिविटी होती है और विटामिन के जो है वो इसको इसकी सेंसिटिविटी में सपोर्ट करता है ठीक है फर्स्ट जो स्टेप है प्रोथ्रोम्बिन एक अनस्टेबल प्रोटीन है जिसने कन्वर्ट होना है थ्रोम्बिन में ठीक है किसकी प्रेजेंस में और क्या चीज़ है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर अपने नाम से ही अपने काम को एक्सप्लेन कर रहा है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा टू कन्वर्ट द प्रोथ्रोम्बिन इनटू इट्स एक्टिवेटेड फॉर्म थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ठीक है अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कहाँ से आते हैं ये बताता हूँ आपको कैल्शियम का तो आपको पता ही है कैल्शियम कहाँ से आती है हड्डियों से अगर सारा कुछ हड्डियों से लेना है तो फिर कड़े कैसे होंगे और ऑर्गेनेल्स भी है यहाँ से कैल्शियम मिलती है ठीक है तो कैल्शियम का सोर्स भी आपको पता चल गया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बताता हूँ आपको ये कहाँ से आते हैं प्रोथ्रोम्बिन का आपको बता दिया कि इसकी सिंथेसिस कौन करता है लीवर करता है इस पॉइंट को याद रखना कि प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पे बनता है लीवर प्रोटीन इन नेचर है क्लॉटिंग प्रोटीन्स है लीवर इसको तैयार करके ब्लड में फेंक ब्लड में आ जाएगा ये ब्लड के प्लाज्मा के अंदर ये होती है ऐसे ही होगा ना ब्लड सेल हो गए और प्लाज्मा हो गया जो ही अपना काम करके ब्लड सैम अगर ब्लड ब्लड है उसमें प्रोथ्रोम्बिन ने अपना काम कर दिया बाकी सारे स्टेप्स भी हो गए तो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो यूज हो गए तो अब जो क्लॉट है उसके अंदर जो पानी सब होगा उसे हम क्या कहेंगे प्लाज्मा कहेंगे या सीरम कहेंगे सीरम कहेंगे ना क्योंकि क्लॉट जब बना है अब देखे ना अक्सर क्लॉट बना होता है एक्सटर्नली भी क्लॉट बनता है तो उससे फिर पानी की तरह की एक सीपेज हो रही होती है वो सीरम होता है वो प्लाज्मा नहीं है ठीक है अब थ्रोम्बिन बन गया थ्रोम्बिन एक्टिवेट होने के बाद
फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है फिब्रिनोजन मोनोमर्स में. मोनोमर्स मतलब सिंगल सिंगल फाइबर अगर हम कह रहे हैं. ठीक है, अब ये थ्रोम्बिन ही बजाते खुद रिस्पॉन्सिबल है टू एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजन को किसमें? इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम हमारे पास है वो किसमें कन्वर्ट होता है? फिब्रिन फाइबर. अब फिब्रिन फाइबर्स बन गए, लास्ट में पहले भी पढ़ाया था फिब्रिन फाइबर्स बनते हैं, उसके बाद उनको क्या करना है? स्टेबल करना है. तो जो थ्रोम्बिन बनाता है ये क्या करता है? सिंगलाइजिंग फैक्टर को भी एक्टिवेट करके जो क्रॉस लिंकेज है उसको मजबूत करना. इस तरह से जो वेसल्स रैप्चर्ड हुई होती हैं उनकी हीलिंग का प्रोसेस होता है. ठीक है, अब थ्रोम्बिन दो काम कर रहा है, एक तो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है, मोनोमर्स बना के फिब्रिन फाइबर्स बना रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, और उसके बाद वही एक्टिवेटेड जो थ्रोम्बिन है क्या कर रहा है? स्टेबलाइजिंग फैक्टर. अब देखिए कोई ना, अच्छा ये देखें इसमें आपने पॉइंट्स देखा, हर चीज़ इनएक्टिवेटेड फॉर्म में पड़ी है. एक्टिवेटेड फॉर्म में कब आएगी? जब कोई मसला होगा. अगर पहले एक्टिवेटेड फॉर्म में हो तो फिर तो एंटी क्लॉटिंग और प्रोकोगुलेंट का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना. ये कॉन्सेप्ट इसी वजह से है कि पहले जब तक वेसल्स ओके हैं, जब तक ब्लड में कोई इशू नहीं है तो क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो किस में पड़े हैं? इनएक्टिवेटेड फॉर्म में पड़े हैं. जो ही कोई इशू होगा तो फिर एंटी कोगुलेंट जो है ना वो डिप्रेस हो जाएंगे और ये चीज़ें जो है ना वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे. फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होगा जो कि एक्टिव करेगा प्रोथ्रोम्बिन को इनटू थ्रोम्बिन. ये सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी हैं बड़े स्लाइड. अब देखा सिग्नल कहाँ से मिल रहा है? जब वेसल वगैरह रैप्चर हो रहे हैं, ब्लड के अंदर कोई इशू हो रहा है, तब जो ये एक डजन जो है, वन डजन जो है वो फैक्टर जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं. ठीक है, किसकी तरह वजह से एक्टिवेट हो रहे हैं? उसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है ना वो कलेक्टिवली उसको सारे प्रोसेस को एक्टिवेट करता है. ठीक है, आगे चलो. कैस्केड उर्दू में क्या कहेंगे यार? सीरीज जिसे हम कहें, बहुत सारे हैं ना कैस्केड. ये वही चीज़, वही जो आपका फ्लो चार्ट है ना उसी को ही डिस्कस किया हुआ है. इसमें भी कैल्शियम का रोल बताया हुआ है, कैल्शियम कहाँ से आती है उसका रोल बताया हुआ है. अच्छा एक और चीज़ जो मैं आपको, आप ये जरा इसको जरा पढ़ें, लास्ट में एक चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है, रेट लिमिटिंग फैक्टर. रेट लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? आगे वो ऊपर वाली चीज़ आपको मैंने बता दी किस पे आता है. प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो रहा है किसमें? मतलब इस पूरे प्रोसेस को जो चीज कंट्रोल कर रही है, रेट ऑफ रिएक्शन जो कंट्रोल कर रहा है वो क्या है? मतलब अगर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर नहीं है तो स्टार्ट होगा काम, अगर है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रेट लिमिटिंग फैक्टर, के जिसकी बेस पे रिएक्शन का जो रेट है उसकी जो प्रोसेस है वो डिपेंड कर रहे हैं, आइदर इट विल बी फास्ट और स्लो, आइदर इट विल स्टार्ट और नॉट. इवन वो हाँ सर, डायबिटीज में इसको क्या इफेक्ट करता है? क्योंकि वो हीलिंग उसमें स्लो ही होती है. डायबिटीज में तो मैंने आपको पहली बात एक ये बताई थी कि ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता. हाँ जी, ठीक है ना, वो प्रॉपर नहीं होगा तो उधर तक पहुँच नहीं सकेगा. जब पहुँच नहीं सकेगा तो ये सारा प्रोसेस ब्लड में ही हो रहा है, इसी ने कैरी करके जाना है. और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें, कुछ जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उस पर भी इफेक्ट है. वो डायबिटीज़ मैंने आपको पढ़ानी है जब मैं आपको पेंक्रियाज पढ़ाऊँगा. पेंक्रिया बस पेंक्रियाज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन इन नेचर होता है. एक्सोक्राइन आपको डाइजेशन में पढ़ाऊँगा कि वो एक्सोक्राइन इन नेचर डाइजेशन में उसकी सिक्रीशन होती है. जो एंडोक्राइन है एज अ ग्लैंड वो काम, एंडोक्राइन ग्लैंड काम करता है तो उसमें वो इंसुलिन रिलीज करता है, उसमें वो ग्लूकागॉन रिलीज करता है. तो ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन का जो बैलेंस है ना
इसको मैंने आपको पढ़ाना है कि जब ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है या कोई इश्यूज होते हैं इंसुलिन में या इंसुलिन रिसेप्टर में, तो डायबिटीज होते हैं, तो क्या मसले हैं सारे फिर आपको ठीक है। रेट लिमिटिंग फैक्टर समझ आ गई कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्यों है, क्योंकि पहला स्टेप ही हुई है, तो रेट को जो रिएक्शन का रेट है उसी ने डिसाइड करना है, उसी पे डिपेंड करना है ठीक। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से आता है? हाँ जी, प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से आता है? लिवर से। पूरी क्लास को पता है वजह उसकी क्या है, क्यों पता है? अभी पढ़ा है और इनको क्यों पता है? क्योंकि ये क्लास में है, ये जाग रहे हैं। अच्छा जी, ये मैंने आपको बताया, बस भाई आवाज ना आए, ओए, ये मैंने आपको अभी बताया। अभी एक इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करते हैं, सोच रहा हूँ पेपर में भी आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा ये चीज तो समझ आ गई है ना, स्लाइड समझ आ गई है यार, इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ मैंने पहले ही बोला, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है, जो फर्स्ट स्टेप है जहाँ से स्टार्ट होना है पूरा प्लॉटिंग का प्रोसेस, उसमें वो क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होती है तैयार कहाँ पे हो रही है, आपको पहले बताया लीवर में तैयार हो रही है, अनस्टेबल प्रोटीन है, क्यों? क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन है, इसके किस में कन्वर्ट होना है, अनस्टेबल होगी तो कन्वर्ट होगा। अब इसको जो एंजाइम, वो आगे बताऊंगा, जो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं आफ्टर एक्टिवेशन, एक्टिवेटर मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, उसमें प्रोटीन, उसमें एंजाइम होते हैं, वो कौन से एंजाइम होंगे? मैं कह सकता हूँ प्रोटीओलिटिक एंजाइम होंगे। प्लाज्मेन प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोटीन है। प्रोथ्रोम्बिन टूटी किस में? थ्रोम्बिन में, तो प्रोटीन टूट भी है, तो प्रोटीओलिटिक एंजाइम कौन से होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ तोड़ते हैं? तो मैं कह सकता हूँ कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में प्रोटीओलिटिक एंजाइम होते हैं, वो जो एक्टिवेटर है उसमें प्रोटीओलिटिक एंजाइम होंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू ब्रेक डाउन फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है, तो ये टूटेगी, कन्वर्ट होगी इनटू द थ्रोम्बिन, एक्टिवेट हो जाएगी ठीक है। अगर लीवर में कोई इशू है, लीवर में कोई प्रॉब्लम है, कोई लीवर डिजीज है, डिफरेंट लीवर डिजीज है उसमें, मैं अगर आपको सिर्फ ये लीवर फेल्योर का नाम यूज करूँ या लीवर सिरोसिस का नाम यूज करूँ, हेपेटाइटिस की कंडीशन में हो सकता है, सॉरी हेपेटाइटिस की कंडीशन, यस हेपेटाइटिस, चले हेपेटाइटिस का वर्ड अगर यूज कर लेते हैं, उसमें सिवियरिटी पर डिपेंड करता है कि कितना सिवियर है। या एक और काम करें आपने एक दो डिजीजेस, तीन चार जो लीवर से रिलेटेड हैं और वो इफेक्ट करती हैं क्लॉटिंग को या प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन को, कि वो डिस्टर्ब होती है, उसके बारे में ज़रा गूगल कीजिएगा। गूगल का मैं आपको हमेशा इसलिए कहता हूँ कि गूगल को यूज़ करना और गूगल को सर्च करना एक आर्ट है, ये नहीं है कि आपने सीधा लिखा और आपको पता चल गया, ऐसा नहीं है। ये बार बार इसलिए कहता हूँ ताकि आपको इस्तेमाल करना आ जाए उसका, और जब आपको गूगल पे सर्च करना आ जाता है तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना आसानी हो जाती है ठीक है। अब विटामिन के का मैंने आपको बताया कि विटामिन के क्या करता है, आज हम क्लास में क्लास में डिस्टर्बेंस है, इधर से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लास में डिस्टर्बेंस होगी तो मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं क्लास आज मुझे नहीं लग रहा था वैसे क्या वो आप से डिस्टर्ब हो रहा हूँ आप लोगों से। विटामिन के बारे में क्या बताया, सपोर्ट करता है पादप फॉर्मेशन ऑफ। अच्छा अब हमारे पास एक एनिमल है जो फेस कर रहा है लीवर डिजीज फेस कर रहा है, उसमें कोई भी डिजीज का नाम है केस में डाल सकता हूँ, किसी एनिमल का नाम डॉग है कैट है एज उसकी डाल सकता हूँ, उसकी ब्रीथ डाल सकता हूँ, वो एक लिखने का एक तरीका है, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने केस पे फोकस करना है। अगर उसको लीवर का प्रॉब्लम है, लीवर फेल्योर का प्रॉब्लम है, तो वो दैट एनिमल आल्सो फेसिंग ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस डिस्टर्बेंस एंड ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस,
what will be the pathophysiology of the prothrombin? अगर liver failure है तो क्या होगा? Formation of prothrombin disturb होगी और prothrombin first factor है जो clotting factor है जिससे ये पूरा process होता है. तो जब start ही होगा तो clotting disturb ठीक है. लीवर का प्रॉब्लम, अब लीवर का प्रॉब्लम है तो मैं कह सकता हूँ उसमें टॉक्सिफिकेशन होगी क्योंकि लीवर डिटॉक्सिफाई करता है. आप जो खुराक खाते हो वो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू किस में जाती है? लीवर में जाती है, वहाँ पर डिटॉक्सिफाई होती है. उसके बाद पूरी बॉडी के अंदर मूव कर जाती है. न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरी बॉडी के अंदर वो डिवाइड हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ऐसे. तो वो काम भी डिस्टर्ब होगा डेफिनेटली. वो मेन काम है, टॉक्सिफिकेशन होगी क्योंकि डिटॉक्सिफाई चीज़ें नहीं हो रही. मैं उसकी एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ कि अगर आप चाय को छानते हो, अगर छाननी ख़राब है तो पत्ती अंदर जाएगी, मतलब अगर लीवर ख़राब है तो टॉक्सिन जाएंगे. तो वो तो एक मेन काम हो ही गया. तो दूसरा लीवर का काम मैंने आपको क्या बताया? लीवर के तो बहुत सारे काम हैं. आप मेरे ख्याल में कोई अगर आप फंक्शन ऑफ लीवर लिखो तो बहुत सारी 10-15 की लिस्ट निकल आएगी. तो क्योंकि हम मेन फोकस हमारा किस चीज़ है? क्लॉटिंग पर है. तो उससे क्लॉटिंग क्यों डिस्टर्ब हो रही है वो रीज़न मैंने आपको बता दिया. हाँ यार, ये पूरी ना साइड बैच चल रही है, पूरी साइड बैच चल रही है. फर्स्ट रोज छोड़ के ये दो रोज चलिए. जल्दी से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ बहुत जल्दी. ठीक मेरा टाइम जाया रहा है, टाइम खत्म हो गया. जल्दी आप क्वेश्चन करें. इसकी रीजन क्या है? लेकिन हमने पूरा दो फॉर्मिंग को भी एक्सप्लेन ऊपर लिखा है विटामिन के ऑफ द क्यू के बेटा. अच्छा अब अगर बात भी और किसी को तकलीफ हो गई है, विटामिन के किसको सपोर्ट कर रहा है प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन को, अगर उसमें भी कमी होगी तब डिस्टर्ब. सर न्यू रिसर्च आई है कि विटामिन के एंड विटामिन डी व्हेन यू टेक दीज टू यू कैन क्योर योर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर. यू कैन क्योर योर हाई ब्लड प्रेशर बिकॉज हाई ब्लड प्रेशर जो है वो विटामिन के एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है. बिकॉज ऑल द डिजीजेज यू नो द रूट कॉज इज योर लिवर इन्फ्लेमेशन. अब डी और के, विटामिन के और विटामिन डी किस yes. तरह से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, इसकी रीज़न पढ़िए. इसकी रीज़न यही है कि ये है कि ये मैंने जो है ना प्रूव भी किया है. आई डिड रिसर्च ऑन दिस, आई रेड इट एंड देन माई मदर शी वॉज सफरिंग विद डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर. शी वॉज टेकिंग मेडिकेशंस. सो वन शी केम टू माई होम आई सेड नो यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनी थिंग. सो आई गेव हर लाइक अ 4,000 IU vitamin D capsules over the counter, and for vitamin K I replaced it with the boiled eggs. Okay. अब इस पे question क्या है? Question ये है कि ऐसा हो तो गया, ऐसा हुआ क्यों, उसके पीछे reasons क्या? चलिए कि अंडे तो blood pressure को high नहीं करते. No. अंडे. ये पुरानी research है. नहीं अंडे में जो आपका cholesterol होता है वो matter कर सकता है अगर excess में हो. अगर एक्सेस हो, अगर सिर्फ आप वाइट ले रहे हो तो उसमें प्रोटीन है वो नहीं करेगी. वो लीवर पे तो जाके इफेक्ट कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, जैसे जिम में लेते हैं जिम वाले तो जिम में, इसलिए वो फिर लीवर टोनिक भी लेते हैं ताकि लीवर को भी थोड़ा टोन अप किया जाए क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा वो खा रहे हैं. हम कहाँ पर सर? वाइटमिन के. वाइटमिन के यस सर. ये मैंने आपको यार पढ़ाया हुआ है. ब्लड क्लॉट बनता है उसमें फिलिपिन फाइबर्स आते हैं, ब्लड फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है एंटेनोमाइसिन की प्रेजेंस में. जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो फिलिपिन फाइबर्स होंगे वो उनको भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो साइज उनका भी स्मॉल हो जाएगा. ठीक है. और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसमें से क्या निकलेगा? सीरम निकलेगा, पानी निकलेगा उस क्लॉट में से.
क्यों सीरम हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो यूज हो चुके हैं, पीछे क्या रह गया प्लाज्मा में, सीरम मिलेगा उसको प्लाज्मा नहीं कहते, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ मैंने आपको भी बताई। फिर नेक्स्ट क्लॉट, यही कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है ना, आप कॉन्ट्रैक्शन करा कौन कौन रहे नेक्स्ट लाइन समझाते हैं। अब फिब्रिन फाइबर्स अटैच है, ठीक है। अब मैं अच्छा ये कह सकता हूँ मैं कि क्लॉट जो है इसके अंदर फिब्रिन फाइबर है, तो ये फिब्रिन फाइबर को आपस में जोड़ने का एक सोर्स है क्लॉट जो है, इसी के अंदर जो है ना फिब्रिन फाइबर्स भी तो घुसे हुए हैं ना, ठीक है ना। तो ये फिब्रिन फाइबर्स को आपस में जोड़ने का एक सोर्स है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा साथ फिब्रिन फाइबर्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और इसमें से क्या निकल जाएगा, सीरम निकल जाएगा, और फिब्रिन फाइबर्स मजीद टाइट हो जाएंगे साथ जुड़ के, ठीक है ना। बात यहाँ पर समझ आए, अच्छा जी। और जो इंट्रैप्ड हमारे पास प्लेटलेट्स हैं ये क्या रिलीज करते हैं, यही वो रिलीज करा रहे हैं, फिब्रिनोजन सिम्बोलाइजिंग फैक्टर। और ये एक्टिवेट कैसे होते हैं मैंने आपको बता दिया, थ्रोम्बिन एक्टिवेट कर रहे हैं, और रिलीज कहाँ से हो रहे हैं, ये प्लेटलेट्स इसको रिलीज करते हैं, और वो जो फिब्रिन फाइबर्स उसको मजीद क्या कर देते हैं, स्टेबल कर देते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन होगी उसमें से जो है ना रिलीज होंगे, स्टेबलाइजिंग फैक्टर रिलीज होंगे, थ्रोम्बिन पहले से बना हुआ है उसको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, और जो फाइबर्स हैं फिब्रिन फाइबर्स हैं वो स्टेबल हो जाएंगे। तीन तरह की प्रोटीन मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि प्लेटलेट्स में तीन तरह की प्रोटीन होती हैं, और कौन सी प्रोटीन है, और ये क्या करती है, कंट्रैक्शन कराती है किसकी, प्लेटलेट्स की कंट्रैक्शन। और कैल्शियम का रोल मैंने आपको पहले बताया हुआ है, किस तरह से जो है ना वो कैल्शियम जो है ये पूरा कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है ना वो उसमें अपना रोल प्ले करती है। और आती कहाँ से, ये आपको बताया। अब सिंपल सा एक तीन स्टेप्स नहीं कहूँगा, क्या कहूँ इसे, कि जो कोगुलेशन का प्रोसेस है इसको, इसका स्टार्टम क्या है, तीन पॉइंट है, सिंपल से तीन पॉइंट है, बार बार हम पढ़ रहे हैं। ट्रामा टू द वास्कुलर वेसल्स में, उसकी वॉल में अगर कोई ट्रामा है, कोगुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, होगा, एक स्टेप हो गया, या उसके साथ का कोई टिश्यू डैमेज है, नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट पे आ गया। ट्रामा टू द ब्लड अभी पढ़ा है कि वेसल्स का कोई ट्रामा है या ब्लड के अंदर कोई मसला है, क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड पे आ जाएगा, कॉन्टैक्ट ऑफ द ब्लड विद द डैमेज एंडोथेलियल सेल्स और विद द कोलेजन और अदर टिश्यू एलिमेंट्स। अगर ब्लड भी ठीक है उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, अगर वो किसी डैमेज टिश्यू के साथ उसका कॉन्टैक्ट होता है तो तब भी क्लॉटिंग का प्रोसेस, कॉगुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये सर अक्सर लाइक नॉट अक्सर बट कभी कभार सुनते हैं कि सर्जरी के बाद अंदर कोई ब्लड क्लॉट रह गया जो ट्रैवल की वजह से हैमरेज हो गया, वो ब्लड क्लॉट डिसॉल्व क्यों नहीं होता? उसकी डिपेंड कर सकता है कि कितने साइज का हो, एक प्रोसेस है ना, एक टाइम है, क्लॉट की लाइसिस का भी एक टाइम है, उसके लिए भी बॉडी के अंदर किसी हद तक किसी डैमेज को रिकवर करने की सलाहियत होती है, किसी हद तक वेसल को रिकवर करने की सलाहियत होती है। अब हमने कहा ना कि 1 to 2 weeks में ये काम प्रोसेस वो हो जाता है, हो सकता है ज़्यादा सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। अब जो सर्जरी हो रही है उसमें डेफिनेटली कोई नॉर्मल क्लॉट होगा नहीं, छोटे साइज का नहीं होगा, एक खुली बात है। दूसरा ये कि जो सिस्टम है क्लॉट को उसकी लाइसिस का, वो आपको मैंने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाना है कि किस तरह से लाइसिस ऑफ क्लॉटिंग क्लॉट होती है, तो वो इश्यूज डिस्कस भी करेंगे इसमें, क्या मसला हो सकता है। अब हम क्वेश्चन ये ना कि बाजू का सर्जरी में क्लॉट रह जाता है, तो उसका वो क्यों नहीं डिजॉल्व होता, लाइसिस ऑफ क्लॉट नेक्स्ट हमारा है उसमें, हम इंशाल्लाह क्वेश्चन इस स्लाइड में तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैं इसको सर्जरी वालों से भी डिस्कस करूँगा कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, होता है,
बिल्कुल होते हैं, हेमरेजेस होते हैं जहाँ पे क्लॉट जाएगा वो ब्लॉकेज करेगा और मसले मसाले हो सकते हैं। रीज़न वही है कि एनिमल का बॉडी हो या किसी भी इंसान का हो या किसी भी एनिमल का हो, उसके अंदर किसी हद तक उसके सिस्टम में फिजियोलॉजिकली सलाहियत होती है कि वो किसी को सपोर्ट कर सके अपने सिस्टम को। तो वो जब इस चीज़ से ज़्यादा चीज़ सवियर हो जाती है तो उसके लिए हमें क्या फिर बाहर से सपोर्ट देनी पड़ती है मेडिसिन की। ठीक है हमारे पास नेक्स्ट जो हमने लेक्चर कवर करना है उसमें आपको पहला मैंने बात ये की थी कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक पाथवे, सॉरी दो पाथवे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है समझ आई? नेक्स्ट इंट्रिंसिक क्या है? इंट्रिंसिक इनका मतलब क्या है? अंदर के ब्लड के अंदर का मसला है, अपना मसला है। एक्सटेंसिक मीन इसमें वो ट्रेवल कर रहा है, जो वेसल्स है उसका मसला। दोनों जो है ना कोई ऐसा इशू नहीं है, बहुत ही सिंपल से इसके क्या है फ्लो चार्ट हैं जिसमें डिफरेंट किस्म के जो है ना वो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो, पहले डीएक्टिवेट फॉर्म में पड़े होंगे वो एक्टिवेट होंगे। एक क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हुआ है तो वो दूसरे को करेगा, तो ये सारे जो है ना वो आपका सेक्शन। आपका मंडे को क्लास होगी ठीक है? ट्यूजडे एंड थर्सडे। नेक्स्ट इसी वीक में हम जो है ना क्लॉटिंग कम्प्लीट करेंगे और नेक्स्ट फिर हम ब्लड।